हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई भाई यार, आपके भाई का एक टिया का लासा एप्सो का पपी एक्सपायर हो गया है, तो भाई काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये मैं बता दूँ, एक्चुअली ये पपी मैंने सेल आउट कर दिया था। लासा एप्सो का अपना टिया का एक फीमेल पपी थी, वो मैंने ऑलरेडी सेल आउट कर दी थी। तो भैया 8-10 दिन हो गए थे सेल आउट किए हुए। अच्छी थी, एक्टिव थी, हेल्थी थी, कुछ इशूज नहीं थे। बट अभी देख रहे हैं, घर से आया था, एकदम धूप थी कड़ाकेदार, बट अभी थोड़ा मौसम अच्छा हो गया है। तो कुछ अच्छा काम कर दो ना तो मौसम भी अच्छा हो ही जाता है, भगवान मेहरबानी कर ही देता है। तो ये था कि भैया के पास जो पपी था वो एकदम ओके था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट अचानक क्या, उसे आज कल या परसों मॉर्निंग में उसने एकदम खाना पीना छोड़ दिया। खाना नहीं खाया। फिर वो शाम को डॉक्टर के पास लेके गए, तो उनको मैंने मेडिसिन वगैरह मैंने बता दी थी क्या देनी अगर खाना नहीं खाता है। तो डॉक्टर को भी उन्होंने दिखाई थी, तो उन्होंने बोला था सही है, मेडिसिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब छोटे बच्चे में ये प्रॉब्लम रहता है कि छोटे बच्चे को वैक्सीन अपना ड्रिप्स वगैरह भी नहीं यूज़ कर सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि नब्स इनके बहुत छोटी होती है, तो उसके अंदर इंजेक्शंस वगैरह जा नहीं सकते हैं। तो फिर भैया को सजेस्ट किया कि आप ना ये पपी उन्हीं के पास लेके चले जाइए जहाँ से आपने ये पपी लिया है, उसकी मदर के पास छोड़िए, क्या पता थोड़ा फीडिंग वगैरह पी के या वहाँ पर जाके एकदम चेंज हो जाए और ठीक हो जाए। तो भैया का आया हुआ था, मेरे पास फ़ोन आया था, तो मैंने उनको बोल दिया था चलो ठीक है, आप मेरे पास लेके आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज़ आपको पता ही है, एक बार घर से पप्पी चला जाएगा तो आपको सोचे एक दो घंटे बाद भी कोई रिटर्न नहीं लेके आता अपने घर में, क्या पता कहाँ से क्या इन्फेक्शन लेके आ जाए। तो बट आपके भाई का ऐसा ही रहता है, मना नहीं कर सकता हूँ किसी को। तो वो फाइनली पप्पी क्या है, खाना नहीं खा रहा था, तो परसों से लेता परसों कल और आज 9 बजे तक भी पपी ठीक था। फिर आधा एक घंटे पहले मैंने उसको खाना खिलाया सेरेलेक, और उसके बाद मैंने देखा आधा घंटे बाद तो वो एक्सपायर कर गया। तो अभी आपको दिखाता हूँ, अभी फिलहाल उसको मैं फेंकने का भी अपना वो बनता नहीं है मेरे पास, चाहे कोई भी डॉग उसको दबाता ही हूँ। तो फिलहाल अभी यहाँ पे गड्ढा खोद लिया मैंने, ये देख सकते हैं गड्ढा यहाँ पे खोद लिया है। और लास्ट टाइम भी मेरा एक पप्पी एक्सपायर हुआ था लासा एप्सो का, टफी का, तो वो भी मैंने यहीं पे दफनाया था। तो ऐसा रहता है कि तो भैया काफ़ी स्ट्रगल होता है, काफ़ी मेहनत होती है, ऐसा नहीं है। तो अभी आपको दिखाता हूँ ये पप्पी आपको मैं, तो अभी ये पूरा गड्ढा खोद लिया यहाँ पे, तो अभी आपको पप्पी भी दिखाता हूँ। पप्पी एक्चुअली अपना बैग में है, तो बैग से पूरा अंदर लिटा देता हूँ आराम से। तो देख रहे हैं अपना, तो पता नहीं चलता एकदम से क्या हो जाता है, तो भगवान आत्मा को शांति दे। पर अपने से जितना हो सकता है उतना करते हैं। तो अभी ये नमक भी लेके आया था ताकि नमक डालने से क्या होता है, जो भी स्मेल्स वगैरह बाहर नहीं आती और डॉग्स को आपका कोई खोदा खादी नहीं करता है, अदर एनिमल्स नहीं खोदते हैं। तो भाई ध्यान रखा करो अपने डॉग्स का, थोड़ी सी भी लापरवाही से कुछ भी हो सकता है। मैं बहुत चीज़ें बताता हूँ डॉग को किस तरीके से रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, नहीं तो काफ़ी लोगों को इश्यूज आए थे इस बार डॉग रखने के रिगार्डिंग। अपना मनमर्जी चलाते हैं, पूछते नहीं हैं, गाइडेंस नहीं लेते हैं, तो काफ़ी इशूज़ आते हैं, हरदम ध्यान रखें। तो अपने पपीज़ का हरदम ध्यान रखें, थोड़ी सी लापरवाही कुछ भी हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा मिट्टी डालने के बाद थोड़ा कवर कर देता हूँ।
बड़ा पत्थर रख दिए रख रहा हूँ ताकि इसको ना कोई भी हिला ना सके और निकाल ना सके। तो अब इसको कवर कर देता हूँ पूरा अच्छे से। हर काम भाई अकेले ही करना पड़ता है, बहुत से लोगों को बहुत आसान लगता है कि और अब लास्ट में एक पत्थर रख दिया ऊपर ताकि कोई डॉग वगैरह हटा ना पाए स्मेल से। अब इसको मिट्टी से थोड़ा और कवर कर देता हूँ। तो भैया अपने डॉग को सेफ रखें, पप्पी को एकदम ध्यान रखें, पूरी नॉलेज के साथ ही पप्पी को रखें। कोई भी अगर आपकी छोटी लापरवाही आपके पप्पी के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकती है, नुकसानदेह हो सकती है, तो प्लीज़ पप्पी की पूरी केयरिंग करें। छोटी छोटी चीज़ों का अगर ध्यान रखोगे कोई इशूज नहीं आएंगे, एक छोटी सी लापरवाही आपके पप्पी को नुकसान पहुंचा सकती है काफ़ी ज़्यादा। मेरे को कभी ये सब इश्यूज़ फेस नहीं करने पड़ते, मैं आपको बता दूं, मेरे को अभी तक ऐसा इतने सालों से कभी मुझको ये चीज़ फेस नहीं करनी पड़ी कि मेरा पप्पी कुछ इस तरीके से बड़ा हो या एक्सपायर हुआ हो। लापरवाही भी इस बार बताऊंगा कितने लोगों ने लापरवाही करी है डॉग्स रखने के रिगार्डिंग, वो बात का टॉपिक है। चलो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।